श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का एक काफी अच्छा उपाय है जो कि नवरात्रि पंचमी का है, और नवरात्र की जो पंचमी है वह कल पड़ रही है, मतलब 30 सितंबर को। तो यह उपाय आपको कल ही करना है। गुरुजी ने बताया है यह उपाय धन संपदा प्राप्ति के लिए किया जाता है, पैसों की कमी होने पर किया जाता है। मैं कभी ऐसा कहता तो नहीं हूँ, पर गुरुजी ने कहा है तो मैं आपको बोल देता हूँ। गुरुजी ने इस उपाय को यहाँ तक कहा है कि इस उपाय को करने से आप शीघ्र करोड़पति भी बन जाएंगे, मतलब यह उपाय करोड़पति बनने के लिए भी किया जाता है। गुरुजी किसी भी उपाय में ऐसा नहीं कहते हैं, पर इस उपाय में कहा है इसलिए मैंने आपको बता दिया। नवरात्र पंचमी कल ही है, तो आपको कल ही सुबह से लेकर शाम तक आप यह उपाय कभी भी कर सकते हैं, तो आप शाम से पहले उपाय जरूर कर लीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको अपने ही घर के तुलसी के पौधे के क्यारे के पास पहुंचना है। तुलसी के पौधे के क्यारे के पास जाकर आपको गन्ने का रस हो, अगर गन्ने का रस ना मिले तो कोई बात नहीं है, गुड़ को साफ जल में घोल लीजिए, यह जल भी गन्ने के रस के समान कहलाएगा। अब आपको क्या करना है आप ध्यान से सुनिएगा। आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए 7 बार अपने आचमनी में यही जल को लेते हुए तुलसी के क्यारे में छोड़ देना है। 7 बार छोड़ना है, नाम और गोत्र आपको एक ही बार बोलना है। माता जगदम्बा भवानी का नाम स्मरण करते हुए यह उपाय कीजिएगा। नवरात्र की पंचमी का यह विशेष उपाय है, इसे करने से धन संबंधी जो भी परेशानियां हैं आपको वह दूर होना निश्चित है। गुरुजी का बताया एक काफ़ी अच्छा और विशेष उपाय है जो मैंने आपको वीडियो में करके बताया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।